हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियोस में हमने क्रेड ऑपरेशंस देख लिए थे और इम्बेडिंग देख ली थी कि इम्बेड कैसे करते हैं एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और एरे में कैसे इम्बेडिंग करते हैं। तो इस वीडियोस में हम देखने जा रहे हैं कि सॉरी इस वीडियोस में हम देखने जा रहे हैं कि हम रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं। तो रिलेशनशिप्स होती क्या हैं? तो यार अगर MySQL पढ़ा होगा तो उसमें तुम्हें पता होगा कि फॉरेन की, प्राइमरी की नाम की कुछ चीज़ें होती हैं। फॉरेन की होती है जो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि दो टेबल को रिलेट करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें टेबल्स तो होते नहीं है, इसमें होते हैं डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शंस। तो मल्टीपल कलेक्शंस को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, मल्टीपल कलेक्शंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं मोंगो डॉट एक्सी पे, इसको ओपन करते हैं, सब चीज़ क्लियर करते हैं और देखते हैं कि ज़रा हमारे पास डेटा बेस क्या है। तो ज़रा DB डॉट यूज़ कर लेते हैं, लेट इसको ड्रॉप कर देते हैं कि जितने भी फर्जी के डेटाबेस बने हुए हैं। डेटाबेस फिर यूज़ करते हैं न्यू और इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब एक नया डेटाबेस बनाते हैं, यूज़ करते हैं कोई नया डेटाबेस टेम्परेरी, और इसमें एक कलेक्शन बनाते हैं यूज़र का, यूज़र के नाम का, और इसमें एक डेटा इंसर्ट करते हैं। तो हमारा जो ये कलेक्शन होगा ये कुछ इस टाइप से होगा कि इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें हर एक यूज़र का डेटा होगा जो कि किसी पार्टिकुलर डेट को किसी ट्रेन में ट्रेवल करने वाला है। जैसे मान लो आज है अगर 12 सितंबर, तो 12 सितंबर को अगर वो किसी एक ट्रेन में जाने वाला है तो उस ट्रेन का नाम होगा और उस यूज़र का नाम होगा। ठीक है, तो यूज़र का नाम होगा स्ट्रिंग में, दैट्स पीयूष, और जो नाम होगा उसका क्या बोलते हैं ट्रेन का, उस ट्रेन का नेम होगा, ट्रेन नेम नेम वहाँ लेते हैं क्या, मतलब सिर्फ ट्रेन रखते हैं। उस ट्रेन का नाम होगा लेट्स से दिल्ली एक्सप्रेस। तो ये ठीक है, ये तो एक डेटा हो गया। थोड़ा और डाल देते हैं, कोई और बंदा होगा ABCD, उसकी भी दिल्ली एक्सप्रेस है। एक ट्रेन पे कई लोग रहते हैं, कई लोग जाते हैं। ECD कर देते हैं और ई के बाद F कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास चार लोग हो गए। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि डेटा कैसे आया है। यूजर डॉट फाइंड डॉट पैटी, तो ये चार नेम हैं, चार लोग हैं जिनकी चार ट्रेनें हैं, मतलब जिनके पास जिनकी ट्रेनें हैं, जिनको जाना है, कहीं भी जाना होगा क्या मतलब उनको उससे। लेकिन अब ये ट्रेन की डिटेल्स भी चाहिए होंगी इन बंदों को, पीयूष को, ABCD को, AECD को, AFCD को, चारों को डिटेल चाहिए होंगी। ज़्यादा टाइम वो देखना चाहेंगे भाई ये ट्रेन कहाँ जाती है, कितने बजे कितने बजे निकलेगी। तो उस ट्रेन की भी थोड़ी सी डिटेल बना लेते हैं, DB डॉट ट्रेन डॉट इंसर्ट करा लेते हैं भाई ट्रेन की डिटेल। तो ट्रेन का कुछ नाम होगा, नेम दिल्ली एक्सप्रेस, और ट्रेन का टाइम, ट्रेन डेट होगी 12/09/2021। ठीक है, तो अब ऐसे मल्टीपल ट्रेन्स हो सकती हैं। एक ट्रेन की डेटाबेस में तो कई सारी ट्रेनें होंगी, चेन्नई एक्सप्रेस ये भी निकलती है 12 को, लेट्स से 13 को निकलती है, छोड़ छोड़ 13 कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास दो ट्रेनें हो चुकी हैं, तो जरा हम चेक करते हैं इन दोनों ट्रेनों का डेटा क्या है, ट्रेन डॉट फाइन डॉट। ठीक है, तो दो ट्रेनें हैं, दिल्ली एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, और हमारे पास यूजर्स हैं उनकी भी ट्रेनें हैं भाई, चारों को जाना है दिल्ली एक्सप्रेस से। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ कारणवश किसी भी वजह से हम गवर्नमेंट क्या करती है कि दिल्ली एक्सप्रेस का नाम चेंज करके वो देहरादून एक्सप्रेस कर देती है या फिर चेन्नई एक्सप्रेस कर देती है। तो वो तो यहाँ पे चेंज कर देगी, कैसे करेगी, ट्रेन डॉट अपडेट 1, और अपडेट हमें क्या करना है, हमें अपडेट वो चीज करनी है जिसका नेम, सॉरी जिसका नेम क्या है, दिल्ली एक्सप्रेस है।
और अपडेट करना क्या है, सेट ऑपरेटर से अपडेट अपडेट होता है, उसका नेम हमको कर देना है चेन्नई एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं हमारा डेटा, तो ये हो गया। दिल्ली एक्सप्रेस को गवर्नमेंट ने कर दिया देहरादून एक्सप्रेस, यहाँ पे तो उसने कर दिया, लेकिन अब दिक्कत ये हुई जब ये यूजर्स दिल्ली एक्सप्रेस का डेटा इस टेबल में ढूंढेंगे, वो तो मतलब ये कमांड तो वो लगाएंगे नहीं, वो तो सीधे बटन पर क्लिक करेंगे, यूजर इंटरफेस उनके पास होगा, तो अब वो जब इनको ढूंढेंगे तो उनको तो यहाँ पे कहीं दिल्ली एक्सप्रेस मिलेगी ही नहीं यार, दिल्ली एक्सप्रेस नहीं मिल रही है, मतलब उनको तो जाना था यार। तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, गवर्नमेंट क्या करेगी कि जितने भी यूजर्स थे उन सब के डेटाबेस में जाके हर एक बंदे की ट्रेन वो चेंज करेगी देहरादून एक्सप्रेस देहरादून एक्सप्रेस देहरादून एक्सप्रेस, चार है तो चार में करेगी, लेकिन हजार डेढ़ हजार लोग होंगे तो हजार डेढ़ हजार लोगों के जाके वो ट्रेन का नाम बदलेगी देहरादून एक्सप्रेस। तो यार ये प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम तो अच्छी होती नहीं है लेकिन प्रॉब्लम सही नहीं है। तो फिर क्या करें, यहाँ पे एक आइडिया निकल के आता है 1-to-1 रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यूजर्स हैं इन सबको क्या किया जाए कि एक काम करते हैं, इन सबको ट्रेन का नाम देने के बजाय अगर हम इस ट्रेन की आईडी दे देते हैं तो क्या होता है कि नहीं, अगर इस ट्रेन की हम आईडी दिए होते हैं तो अगर हम इसका नाम यहाँ पे एक बार चेंज करें, दो बार चेंज करें, हजार बार चेंज करें, हमें यूज़र के डेटाबेस में जाके अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप समझे थोड़ा सा, मतलब रिलेट कर पा रहे हो कि एक जगह नाम चेंज करना पड़ रहा है तो हमें उस पूरे डेटाबेस उस टेबल सॉरी उस डॉक्यूमेंट में जाके हर एक उस कलेक्शन में जाके हर एक डॉक्यूमेंट का डेटा चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक कलेक्शन के किसी एक डॉक्यूमेंट में अगर हमने डेटा चेंज किया है तो वहाँ पे वो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी, तो वो ऑटोमेटिक सब जगह चेंज मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यूजर्स डॉट अपडेट में जाते हैं, यूजर डॉट अपडेट, तो अपडेट तो हमें ऑल ही करना है, तो यहाँ पे सब कुछ करना है, और हमें अपडेट क्या करना है, ट्रेन की जगह जो जहाँ पे हम ट्रेन का नेम डाले हैं, ट्रेन का नेम है ना, हाँ, तो वहाँ पे हमको जाके ये ऑब्जेक्ट आईडी डाल देनी है, बस इतना सा काम करना है। अब आ जाओ, इसमें कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं, मैच वन अपसेटेड मॉडिफाई अपडेट अपडेट ऑल कर लेते हैं, अपडेट मैनी, इधर तो अपडेट ऑपरेशन डॉक्यूमेंट कौन से, अच्छा हाँ एक ऑपरेटर नहीं लगाया हमने, सॉरी सेट। ठीक है, अब देखो मैच काउंट फोर मॉडिफाइंड काउंट थ्री, ओके एक तो पहले ही हो गया था ना अपडेट मेथड से, अब यूजर डॉट फाइंड करते हैं, यूजर डॉट फाइंड मिल जाए। देखो अब हर ट्रेन की ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे अटैच हुई है, कुछ चेंज हो गया ABCD यहाँ पे, कुछ चेंज हुआ, अरे इसके वजह से चेंज हुआ है, इस वाले की है नेम जो चला गया ना, नेम एक गायब हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे सेट ऑपरेटर लगाया नहीं था, तो इसने राइट करने की जगह ओवर राइट कर दिया, राइट रिजल्ट, देखो ये राइट रिजल्ट दिखा रहा है, उसने ओवर राइट किया है, तो उतना तो चलो आप समझ जाओगे, यहाँ बाकी से समझ जाओ। तो क्या किया, हर ट्रेन की नेम की जगह हमने ऑब्जेक्ट आईडी लगा दी है, अभी इस ऑब्जेक्ट आईडी से ये वाली ट्रेन रिलेट है देहरादून एक्सप्रेस जो पहले कभी दिल्ली एक्सप्रेस थी, तो अब हम चाहे इस देहरादून को अगर हम वापस कोई नाम बदलेंगे तो इस यूज़र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस ये तो इस ऑब्जेक्ट आईडी से सर्च करेगी और इसे हर बार नई नई डेटा मिलते रहेंगे, अगर ट्रेन का डेट चेंज होती है तो भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, मान लो ट्रेन की और भी कोई सारी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे ट्रेन का रूट होगा, ट्रेन का टाइमिंग होगा, कुछ भी चेंज होता है तो हमें यूज़र का डेटा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया 1-to-1 रिलेशनशिप, अब 1-to-many क्या होगा यार, तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम यहाँ पे एक एक कलेक्शन पे हम रिफर कर रहे हैं तो हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया, मल्टीपल कलेक्शन पे हम रिफर करेंगे तो हमारा 1-to-many रिलेशनशिप हो जाएगा। तो वो आप पे छोड़ता हूँ 1-to-many रिलेशनशिप कैसे होगा, थोड़ा सा गूगल करना, स्टैक ओवरफ्लो पे जाना और भी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे उस पे देखना 1-to-many रिलेशनशिप क्या होता है, वो पता कर लेना, पता करके लेना समझ ही गए होगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि थोड़ा सा हम लोग डायनेमिक बना रहे हैं अपने
डेटा को, इंस्टीड ऑफ राइटिंग यहाँ 4 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, हमने यहाँ पे भाई ऑब्जेक्ट आईडी डाल दी है। ऑब्जेक्ट आईडी हमेशा यूनिक रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आईडी तो ये वैसे भी MongoDB बनाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम एक चेंज करें, 10 चेंज करें, 100 चेंज करें, तो 1 to 1, 1 to many आप पढ़ लेना। रिलेशनशिप्स में मोस्टली इतना ही होता है, और होता है अपने हिसाब से बहुत सारी बना सकते हो। तो ठीक है, समझ में आया है तो लाइक कर दो यार, थैंक यू।